आज बहुत पीड़ा के साथ हम सब आपके समक्ष आए हैं। जो जो बहुत ही दुखद शर्मनाक घटनाएं हमने लगातार इस सेशन में देखी, दोनों सदनों को चलने नहीं देना और खास तौर पे उच्च सदन जो राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है और एक प्रकार से न्यू लो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के व्यवहार में देखा। इनकी मंशा तो शुरू से स्पष्ट थी, जैसा प्रहलाद जी ने कहा कि किसी तरीके से इस सेशन को वॉश आउट करना है, लेकिन सिलेक्टिवली चूज करते थे, जब चाहते थे अपनी बात रखना तो कुर्सियों पे चले जाते थे, सिलेक्टिवली डिवीजन भी मांग लेते थे सडनली। यह अलग बात है कि सडन डिवीजन मांगने पे भी उनका पर्दाफाश हो गया और बड़े ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से सबके समक्ष आ गया कि पूरी मेजोरिटी चाहती है कि हाउस चले, पूरी मेजोरिटी सरकार के पक्ष में है, पूरी मेजोरिटी चाहती है कि डिबेट हो, डिस्कशन हो, कार्यवाही सुचारू रूप से चले। लेकिन विपक्ष इस बात को हजमा नहीं पाया कि उनके बात से देश पूरी तरीके से उनसे कुछ अपेक्षा ना रखते हुए अब उन्होंने गिवअप कर दिया इस ऑपोजिशन के ऊपर। प्रहलाद जी ने सही कहा, एक के बाद एक व्यवहार देखिए, मिनिस्टर के हाथ से छीनना कागज और सस्पेंड होने के बाद हमने कहा अपोलोजाइज करिए तो हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वापस दे लिया जाए, तो स्पष्ट बोल दिया कि ही विल नॉट अपोलोजाइज टू द चेयर। 6 MP सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। और तो और 9 तारीख को जो भद्दा प्रदर्शन उन्होंने टेबल पे नाच के, और एक तो इतना बड़ा रूल बुक मोटा चेयर के ऊपर फेंका गया कि अगर उस समय चेयर पे कोई बैठा होता या सेक्रेटरी जनरल नीचे बैठे थे उनको लगता तो घायल ही नहीं होते, बहुत बुरी तरीके से कातलाना हमला किया गया चेयर और सेक्रेटरी जनरल पे। और उसके ऊपर भी हमारा अनुरोध था, अभी चेयरमैन साहब को मिलके आए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अपोलॉजी तो छोड़िए, वो तो और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेकोरम, ये पार्लियामेंट्री शिष्टाचार का जो प्रतीक आज कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने देश के समक्ष रखा है, मैं समझता हूं पूरे सदन की गरिमा, सदन की कार्रवाई के ऊपर एक जनता के बीच में बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया विपक्ष ने कि वो आगे देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, हमारे युवा युवतियों को क्या दृश्य दिखाना चाहते हैं भारतीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। जैसा प्रहलाद जी ने कहा, लगातार हम चर्चा के लिए तैयार थे, आप सबने देखा कोविड की सुचारू चर्चा हुई, तय हुआ था उसके बाद शाम को सभी पक्ष के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में आएंगे, सभी आए, कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया, प्रॉमिस करके कि हम शाम को आएंगे अगर आप डिबेट करा दो, और बाकी सभी विपक्ष के नेताओं ने खुलेआम तारीफ की माननीय प्रधानमंत्री जी के, सराहना की कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कोविड की लड़ाई में देश को संभाला, देश को दिशा दी, और कितनी सारी जानकारियां उसमें जब विपक्ष के नेताओं ने भी देखी तो उन्होंने कहा ये पूरे देश के समक्ष रखी जाए, हमें भी ध्यान नहीं था इतने सारे काम, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, अलग अलग लोकल बॉडीज,
एनजीओज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एक मानो पूरे देश ने कोविड की लड़ाई एकजुट होकर लड़ी थी, उसका प्रमाण उस दिन विपक्ष के भी सामने रखा गया। 4 तारीख की घटना, 9 तारीख की घटना, उसके बाद जब ओबीसी के ऊपर बिल पे चर्चा हुई तो आपने देखा कितनी अच्छी सुचारू चर्चा हुई। इसी तरीके से हमारी उम्मीद थी कि हर बिल के ऊपर चर्चा हो, उसके बाद पास हो, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार, जितना शोरगुल, अलग अलग प्लैकार्ड्स, और एक मुद्दा भी कोई तय नहीं कर पा रहे थे कि किस पे बातचीत करें, एक पार्टी का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का तीसरा, कोई ठीक तरीके से संतुलन विपक्ष के बीच में नहीं था, और एक क्लियर कट कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन का दृश्य देश के सामने दिखा। एक आम आदमी पार्टी के सदस्य टेबल पे चढ़ गए तो अरे उसमें पंजाब में हमारा क्या परिणाम होगा, तो 2 कांग्रेस के सदस्यों ने चढ़ना जरूरी है। और इस प्रकार की कॉम्पिटिटिव ऑपोजिशन के कारण पूरे सदन की और देश के जनता के बीच जो अपमान किया गया है, चेयर का, जो सदन का अपमान किया गया है, उसके लिए माफी मांगना तो दूर, और सीना चौड़ा करके आज विपक्ष सामने आ रहे हैं। दिस इज अ क्लियर साइन कि विपक्ष इज ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट एनी एक्शन बिकॉज ऑफ देयर मिसकॉन्डक्ट, अनरूली बिहेवियर एंड द थ्रेटनिंग अप्रोच ऑफ द ऑपोजिशन, द वे दे मैन हैंडल्ड द सिक्योरिटी पर्सनल ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मार्शल, द वे द लेडी मार्शल वॉज मैन हैंडल्ड बाय 2 ऑनरेबल MPs फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, द वे दे वर ट्राइंग टू पुल द मेल मार्शल बाय द नेक एंड डैमेज the property of the house, that the way they attacked the table, the way they attacked the chair, it was a shameful disgrace in the parliamentary history of India, and a clear sign that they are trying to divert and deviate from the main issue, which is their conduct in the house, their misconduct in the house, to preempt any action that will evidently follow from the records of the house. We had gone today, all of us have met the Honorable Chairman and the Deputy Chairman, and made an earnest appeal, which I had also placed before the Chair in the House yesterday, that the strongest action should be taken on this deplorable misconduct and physical manhandling and assault on the parliamentary staff, parliamentary security, which was trying to protect the table of the house, which was trying to protect the chair. आखिर security staff तो किसी पक्ष का नहीं होता है, उसका काम तो chair और table और सदन और parliament की सुरक्षा करना है। इनसे ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि मात्र 12 महिला marshals और 18 पुरुष marshals, कुल 30 marshals, 18 men पुरुष, 12 महिलाएं, सिर्फ 30 मार्शल्स डिप्लॉय हुई थी, और उतनी जरूरी थी क्योंकि इतने बड़े प्रहार के सामने, और ये प्रहार 9 तारीख को आप सबने देखा था, टेबल की सुरक्षा, चेयर की सुरक्षा के लिए ये तैनात थे, सभी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल्स और स्टाफ थे। अनाप शनाप झूठे आरोप आज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आउटसाइडर्स वो नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी वो ब्रॉट इन, ये सब मेन इश्यू से डाइवर्ट करके उनके ऊपर एक्शन ना हो, इस डर के कारण विपक्ष ने आज ये पूरा नाटक रचा। एक प्रकार से पूरे विपक्ष की हम निंदा करते हैं कि उनकी मंशा इस सदन की गरिमा गिराने की रही शुरू से, उनकी मंशा थी कि इस सेशन को चलने ना दिया जाए। शायद ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी एक राजनीतिक मजबूरी में उन्होंने सदन को चलने दिया, और अगर इसी प्रकार से पूरे 19 दिन सदन चलता तो देश में अच्छी सार्थक चर्चा के बाद बिल पास होते, यही सरकार की उम्मीद थी और आगे भी हमारी यही उम्मीद रहेगी। प्रहलाद जी ने कहा इतना आउटरीच का हमने कोशिश की, इतनी बार चर्चा की कोशिश की,
पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था आप जो चर्चा करो हमारा रवैया तो हाउस नहीं चलाने देने।